यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा तैयार होके, हम दोनों कहीं घूमने जा रहे थे हम चारों, तो थोड़े से तैयार होके रील बना रही थी। आप मजे कीजिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में। बेटा हमेशा उन लोगों से दूर रहो जिसको तुम्हारी कदर ना हो। उन्हीं के घर में रहती हूँ। जो होना था वो हो गया, अब करना क्या है? सॉरी बोल। सॉरी? हाँ सॉरी बोल। अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी नहीं, सीधा सॉरी बोल, सीधा दिल से। मतलब एक जोक आया है, तो क्या होता है, एक कपल होता है, तो वाइफ है ना वो बहुत ही शांत स्वभाव की होती है। हेलो, संडे संडे हम कहीं घूमी घूमी जा रहे थे, तो वो वीडियो आपको नेक्स्ट व्लॉग में यानी कल आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी क्लिप्स है तो मुझे एडिट करने में टाइम लगा, और हम घूम कर आने के बाद ना इतना थक गए थे कि मैं एडिट ही नहीं कर पाई, बट थोड़ी सी जो क्लिप्स थी जाने की वो मैंने आपके साथ शेयर किए। बहुत ही मज़ेदार जगह गए थे हम, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा, और हम तैयार होके तो कुछ रील्स बनाए। आपको कैसा लगा आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बताइएगा। जब हम रिटर्न आ रहे थे ना, तो देखो इतना सुहाना सा मौसम हो गया था ना, मैं आपको चंडीगढ़ के रास्ते बता रही हूँ, चंडीगढ़ के रास्ते घूम लो। ये है मंडे मॉर्निंग, जहाँ पर हमने बनाया था ढोकला, बेसन को लिया था, उसके अंदर डाला था थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, खाने का सोडा, हिंग और थोड़ी सी शक्कर डाली थी, और उसका बैटर तैयार किया था हमने। यहाँ पे खाने का सोडा डाल रही हूँ, और थिक बैटर तैयार करना है आपको। देखिए पानी ऐड करना है इसमें, और मैं भूल गई थी, मैं ना कैमरा ऑन करके चली गई थी। यहाँ पर मैंने लेमन जूस भी ऐड किया है, यहाँ पे 2 लेमन्स का स्क्वीज़ किया था मैंने जूस, क्योंकि सुबह सुबह ना लेट भी हो गए थे हम लोग, और आज मंडे है तो आज लास्ट वर्किंग डे की वजह से बच्चों का छुट्टी था, तो थोड़ा आराम से उठे, यानी 7 बजे तक उठे थे। तो यहाँ पर ना मैंने बैटर तैयार करके उसको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रखा, उसके बाद इनो डालकर उसे एक ही तरफ घुमाकर फेटा है। अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड सुनाई दे रहा है तो आई एम सो सॉरी। यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ट्रांसफर करके उसे इस तरह के बॉल में, कढ़ाई में रख दिया था, और यहाँ पे मैं तड़का लगाना था तो कैमरा ऑन करना भूल गई, और यहाँ पर मैंने तड़का लगाया सिर्फ जीरा राई और राई और हरी मिर्ची से, साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाला है, हल्दी डाली है, शुगर डाला है, ताकि थोड़ा सा टिंगलिंग सा टेस्ट आए इसके अंदर, और आप चाहे तो आप इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने नींबू का जूस डाला, देखो हमारा फ्लफी सा ढोकला बनकर तैयार है, और ये इस तरह से बनकर तैयार था। तो ये जो कटा पीटा है ना, ये मेरे बच्चे ने आके चाकू मार दिया था, जब तक मेरे को पापा ने बुलाया कि मेरा ये कहाँ रखा है, तो जब तक ये हो चुका था, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा और रहना। फिर हमने इसे कट किया, इसके ऊपर थोड़ा सा सूपी जो तड़का होता है वो डाला है, और बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।